तो देवी और सज्जनों, हमारे ईशान भाई मैथ्स में कितने तेज है आप खुद ही देख लो। मालिक, हम अपनी बहन के घर जा रहे हैं। 500 रुपए नौकर को दे दो। 500 रुपए में क्या हो जाएगा, ले भाई ले। हाँ भाई यीशु, 500 रुपए तो कम पड़ गए होंगे, होते ही क्या है 500 रुपए? 500 रुपया बहुत ही होते हैं। उन रुपया से हमने अपनी भांजी के लिए 150 रुपया की फ्रॉक ली और 30 रुपया की उसके लिए हम गुड़िया ले गए। दामाद जी का तो आपको पता ही है, इतना बड़ा मर्तबा होता है। तो 50 रुपया की बेल्ट ले गए और 80 रुपया का हमारा किराया लग गया। 50 रुपया की हम मिठाई भी ले गए। अब तो भाई 150 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 50 होते हैं 360, बचे 90 रुपए। तो भाई हमने जितनी मैथ्स पढ़ी है उसके हिसाब से तो 140 रुपए बच रहे हैं। तो 10 रुपया की हमने अपनी भांजी को कटर पेंसिल दिला दी। वापसी आते वक्त 60 रुपया किराए में खर्च हो गए। थोड़ा दूर पैदल चले और हमने 20 रुपया बचा लिए और 20 रुपया की हम साहब आपके लिए जो टोपी लिया है। अच्छा चलो, इनके हिसाब से ही जोड़ते हैं तो 360 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 20 होते हैं 450। तो ईशान भाई साहब, 50 का सुट्टा मार लिया था क्या?